नमस्कार, बहुत स्वागत। बजने को है सिक्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर सिक्स। आज क्या क्या जानेंगे आप? तंत्र मंत्र के तिलिस्म की हैरान करने वाली कहानी होगी। अमर होने के लिए दो बेटों की ले ली गई जान, बलि बोल दें इसे। किस मंत्र को जपने का बाबा ने दिया था फरमान? भाभी जी घर पर हैं, अगर अनजान लोग ऐसा बोले तो सावधान। क्यों? ये खुलासा दिखाएंगे। सुसाइड पर समझाइश देने पर क्यों एक लड़का कह रहा है बुरे फंस गए रे बाबा? क्या कभी सुना है आपने कि किसी ने रावण को ठग लिया? वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अजब तस्वीर, मछली का जाल, फंस गया मगरमच्छ। तो तंत्र मंत्र का ऐसा तिलिस्म जो रोंगटे खड़े कर दे, उस घर में एक महिला अपने बेटे और बेटियों के साथ पिछले 6-7 दिनों से जप कर रही थी, तंत्र साधना बोल लीजिए। इन सबको अमर होना था। इन्हें एक पाखंडी बाबा ने मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो, मुर्दा भी बोल उठेगा। और फिर मंत्र का प्रैक्टिकल किया गया, यानी जिंदा को मारा गया। लेकिन जो मुर्दा हुआ वो उठ नहीं पाया। तंत्र मंत्र का जाल, दो बेटों की लाश। एक मंत्र, मुर्दा बोल पड़ेगा। ये जप मुर्दे में डालेगा जान। बाबा का फरमान, जप करते रहो। संजीवनी मंत्र करेगा कमाल। दो बेटों की लाश, वो फूंक रहे थे मंत्र। वो अमर होना चाहते थे। तांत्रिकों की अपनी अलग दुनिया होती है। इस दुनिया का अलग तिलिस्म होता है। जिस तिलिस्म में एक बार इंसान फंस गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तंत्र मंत्र की वो बिसात, जिस बिसात में फंसता चला गया ये परिवार। सुनिए, बंद कमरे में बेटों की लाश के सामने माँ अपने दो बेटियों और एक बेटे को कहती रही, जप करते रहो, बिल्कुल रुकना नहीं है। सभी के मोबाइल ऑन कर दो, जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। बंद कमरे का वो रहस्य डरावना था। छत्तीसगढ़ के शक्ति के बार द्वार में बंद घर की ये पहेली अब तक पहेली बनी हुई थी। शक्ति के बारद्वार थाना इलाके के लोहरा कोट के तांडुलडीह गांव में जो हुआ वो इसलिए और हैरान कर देता है कि इस घर में दो जवान बेटों की मौत हुई। 22 साल के विक्की और 25 साल के सिद्धार्थ की जान चली गई, लेकिन बेटों की लाश के पास भी मां जपती रही, बहनें सत्संग करती रहीं, पूरा परिवार अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इस कमरे में एक बाबा की फोटो थी। ये बाबा उज्जैन का रहने वाला है। बाबा के फरमान पर ही चल रहा था तंत्र मंत्र का खेल। वो पूजा की सामग्री है, कुछ दैनिक जीवन की मेडिसिन हैं और कुछ पठन सामग्री है, कुछ कपड़े हैं और घटना स्थल में कुछ गीले जो है पानी के चीजें वहां पे दिखाई दी है। किचन में भी जो है खाद्य पदार्थ जो है मिली है। सबसे हैरानी की बात, घर में दो लाशें थी लेकिन सत्संग बदस्तूर चल रहा था। पुलिस की दबिश जब इस घर में दी गई तब भी सब रुक नहीं रहे थे। रोकने पर ये लोग भड़क गए। अंधविश्वास की पूरी कहानी सुनिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे खुलासा हुआ है कि विक्की और सुधार की मौत जहर से हुई थी। बंद कमरा, जिंदा मुर्दे का खेल। हाथ के नाखून निकाले, तंत्र मंत्र का तिलिस्म, जाल बना काल। पुलिस की माने तो इस परिवार को बाबा ने ऐसा मंत्र जपने को कहा था जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता है, संजीवनी मंत्र जिसे नाम दिया गया, और ये परिवार इसी मंत्र से अमर होना चाहता था। दोनों लड़कों को जहर दिया गया या फिर इन दोनों ने खुद खाया, लेकिन वजह थी कि जहर से भी मर गए तो जिंदा हो जाएंगे, यानी अमर होने वाले मंत्र का प्रैक्टिकल किया जा रहा था जिसमें दोनों की जान चली गई। तंत्र मंत्र की इस बिसात में क्या खेला गया था खूनी खेल? अभी परिवार के चार लोगों का इलाज जारी है, कई राज का खुलना बाकी है। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कोई अमर होना चाहता है और कोई मरना चाहता है। अगर आप उसे मरने से रोकेंगे
तो आप भी यही कहेंगे कि क्या आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। एक लड़के को शायद ये नहीं पता चला, उसे ये पता चला कि एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसने लड़की को रोका, समझाइश दी, उसके बाद लड़का ये कह रहा है कि बुरे फंसे रे बाबा, आखिर उसके साथ हुआ क्या? सुसाइड से रोका, लड़कों ने धो डाला, लड़की को बचाने गया लुट गया, समझाइश देना पड़ा महंगा, सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीर, बचाने गया पिट गया, बुरे फंसे रे बाबा। कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये, लेकिन किसी फिल्मी सीन से कम भी नहीं। इस सीन का क्लाइमैक्स हैरान कर देने वाला है। कोरबा में 2:57 का सीसीटीवी फुटेज, लाइव तस्वीरें जिसमें एक लड़की नजर आ रही है, हालांकि तस्वीरें धुंधली हैं, लड़की गुमसुम सी है जिसके पास एक लड़का खड़ा है, बात कर रहा है। इस बीच दूसरा लड़का भी आ जाता है, इसका नाम इरशाद है, जिसे ये खबर लगी थी कि लड़की सुसाइड करने जा रही है। इस बात की खबर उसे दूसरी लड़की ने दी। दोनों लड़कियों को इरशाद पहले से जानता था। उस रात मैं अपने ट्रांसपोर्ट नगर से घर जा रहा था, तो अपने तो रास्ते में मेरे को दो लड़कियां मिली जो उनको मैं जानता था। इरशाद का कहना है कि उसने लड़की को सुसाइड करने से रोका और बचा लिया। दूसरी लड़की भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस कहानी में पूरा सीन ही पलट गया। ये लड़का इस लड़की को हड़काने लगा, हॉट टॉक हुई, उसके बाद बात का बतंगड़ मच गया। लड़के ने अपने दूसरे साथियों को बुला लिया, फिर सुसाइड पर समझाइश देने पर लड़के की जमकर पिटाई हुई। हालांकि लड़कियां बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के इरशाद पर टूट पड़े। भैया देखो ये कैसे कर रही है, तो मैं बचाने के लिए वहां पे गया था, वहां पे एक साथ में एक लड़का भी था, वो मेरे से थोड़ा बदतमीजी से बात किया। उसके बाद फिर मैं अपना पानी टंकी वाले लाइन है, बीडी करवाल वाले लाइन पे, वहाँ पे चले गए सुसाइड करने का अटेम्प्ट, वहाँ भी करी, तो वहाँ से भी हम बचाए। तो लड़का जो था साथ में वो थोड़ा बदतमीजी से बात किया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को बोला जानता है तू मैं कौन हूँ, फ़ोन करके उन्होंने बुलाया है, उसका हाथापाई करना चालू कर दिया। जब हाथापाई कर लिए सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्हीं में से दो लड़के मेरे को मेरे ही बाइक में बैठा के पोकट पारा के पास में पटरी के पास में जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे को पटरी में सुला देने के बाद कहा। कोरबा के सुनालिया चौक का मामला है, 17 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। तब इरशाद रात में ट्रांसपोर्ट नगर से घर लौट रहा था, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो गया। अभी आगे भी सुनिए, आरोप है ये लड़के इरशाद को उसकी गाड़ी पर अपने साथ ले गए। आरोप है ये लड़के इरशाद को उसकी गाड़ी पर अपने साथ ले गए, जान से मारने की धमकी दी, उसके पास जो रुपए थे, मोबाइल था, उसे लूट लिया। सुनिए आरोप। फिर मेरे बाइक को लेके उन्होंने वहां से बाइक को लिया है, मेरा पूरा पर्स में से सामान वामान पर्स में से पैसे वगैरह लेके पूरा निकल गया वहां से। फिर मैं वहां से भागते हुए अपने घर पहुंचा, ओवरब्रिज के पास में एक पिकअप वाला मुझे मिला, पिकअप वाले से लिफ्ट लेके फिर मेरे को पिकअप वाले ने घर तक छोड़ा। सुसाइड पर समझाइश में इरशाद कह रहा है बुरे फंसे रे बाबा। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये सिर्फ एक लड़का नहीं लूटा है, अरे लूटने वालों ने लंकेश को लूट लिया है। क्या आपने कभी सुना कि रावण को कोई चूना लगा सकता है? लेकिन दशानन दहन में ऐसा गबन हुआ कि सब हैरान रह गए। रावण के 30-30 फीट के दो पुतले जले नहीं, पेट्रोल डालने के बाद नहीं जले, फिर उन्हें तोड़ना पड़ा। मैं दशानन हूं, लेकिन दशानन की इस हंसी पर तो लोग हंस रहे थे कि रावण को भी नहीं छोड़ा। दहन से पहले खूंखार हंसी हंसने वाला रावण का भी चेहरा उतर गया होगा कि भाई मुझे तो बख्श दे दे,
और लोग वो तो कोशिश करते रहे कि अब जलेगा रावण तब जलेगा रावण, लेकिन रावण का दहन ही मजाक बन गया। ये तस्वीर है खंडवा के नया हरसूद छनेरा की। दशहरे पर रावण के पुतले का दहन देश भर में किया गया, लेकिन रावण का पुतला जला ही नहीं, यहाँ तक कि पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब भी यही हाल था। उसके बाद एक ही तरीका था, वो था रावण के पुतले को तोड़ तोड़ कर जलाया गया। सही सुन रहे हैं आप, इस बात से लोग तो मायूस हुए, नगर परिषद की भी जमकर किरकिरी हुई। रावण के पुतले का नहीं जलना सुर्खियां बन गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। दरअसल स्टेडियम ग्राउंड और बाजार चौक में नगर परिषद ने बनवाए थे 30-30 फीट के रावण, ऑर्डर दिया गया। अब सवाल था कि रावण का पुतला जला क्यों नहीं, तो एक बुराई है जिसका नाम है करप्शन। तो क्या रावण को भी ठगा गया, लोगों को छला गया? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि रावण के पुतलों के 3 लाख के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन ना तो पुतले में घास भरी गई थी, ना ही रावण के पुतलों में पटाखे पूरी तरह से भरे गए थे, यानी पुतले बनाने में खेला हो गया। अब इन्हीं पुतलों को लेकर कमेटी बनी है कि भाई किसने लापरवाही बरती, किसने गोलमोल किया, किसने गोलमाल किया, क्या रावण के पुतले में लगने वाले माल को पार कर लिया गया, रावण के पुतले में घास और पटाखे को लेकर जांच होगी। सीएमओ ने 5 मेंबर की टीम बनाई है कि जांच की जाए, कहां गायब हुए पटाखे, कहीं किसी ने दिवाली मनाने का इंतजाम तो नहीं कर लिया। खैर, जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा किसने रावण को लगाया चूना। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये तो बुराई के प्रतीक रावण का एक पुतला था। बहरूपिया रावण रूप बदल कर आएगा, सवाल पूछेगा, भाभी जी घर पर हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी ही गैंग ने छत्तीसगढ़ में वो किया जिसके बाद भाभी जी के होश उड़ गए। कहीं किसी गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं? भाभी जी घर पर है, बंधक बनाकर लाखों की लूट, सावधान अगला शिकार आप तो नहीं? पिस्टल से हमला, कहां है वो बंटी बबली? सर्वे का नाम लूट करना काम। इस घर में जो हुआ वो आप सबको जानना बेहद जरूरी है। ये वारदात आपको सावधान कर रही है कि कहीं कोई आपके घर की रैकी तो नहीं कर रहा। इस बात का पता तो गैंग को नहीं है कि कब आप अकेले रहते हैं और वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। बलौदा बाजार की ये तस्वीर सुबह 11 से 12 बजे का वक्त, तभी भुवनेश्वरी को किसी ने आवाज दी, भाभी जी घर पर हैं। ये सुनकर जाहिर सी बात है कोई भी घर से बाहर निकलेगा। एक महिला और एक आदमी थे, तब उन्होंने जो कहा उसे सुनिए, किस बहाने से लुटेरे घर में आए। 11:30 बजे लगभग एक लड़की आई थी और वो बोली कि मुझे सर्वे करना है स्कूल का। स्कूल से आए हम लोग, कोकड़ी स्कूल से, और बस नाम लिखने के लिए मुझे बोली। तो मैं, लॉक था मेरा गेट, तो उसको लॉक से खोली थी। जैसे ही खोली वो अंदर आई और बोली कि मैं पेन कॉपी से आपका नाम लिखती हूँ, ऐसा करके आप अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आइए। मैं लेके जैसे ही आने लगी वो पीछे से मेरे हाथ को पकड़ लिए, फिर सर को बुलाए, वो मेरे सिर पे जोर से हमला कर दिया और फिर उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद मुझे बहुत मारे, बहुत टॉर्चर किए और इतना खून बह रहा था मेरा कि मैं होश में ही नहीं थी अच्छे से। स्कूल का सर्वे करने के नाम से एंट्री की। जैसे ही महिला ने गेट खोला उससे कुछ जरूरी दस्तावेज लाने को कहा। महिला अंदर गई और बंटी बबली गैंग भी घर में दाखिल हो गई। उसके बाद महिला का हाथ पकड़ा, उस पर पिस्टल के बट से हमला बोला गया, बंधक बनाया गया, चाकू की नोक पर डराया धमकाया गया। ये देखकर महिला हैरान थी। कैमरा भी देखे हैं उसमें से। कितने लोग? लोग दो लोग थे। क्या लेके आए थे? बोला कि पिस्टल टाइप का लेके आए थे, वो असली था नकली नहीं पता, उसी से मुझे वार किए थे। और एक बड़ा सा धारदार चाकू लेके आए थे। 2-2.5 लाख की हो गई है। मैं बंद कर दिए थे खींच, पहले तो मुझे बहुत मारे, मैं होश में नहीं थी अच्छे से। मेरे को खींचते हुए रूम में ले जाके पटक दिए,
फिर वहाँ से और मारे मुझे और बोले तुम अलमारी खोल दो चीजें। उसके बाद ये कहा गया कि जेवर रुपए कहाँ रखे गए हैं, उसे फौरन ला कर दो। लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया और फिर महिला को एक कमरे में बंद करके आरोपी फरार हो गए अपने दूसरे शिकार की तरफ। लेके जैसे ही आने लगी वो पीछे से मेरे हाथ को पकड़ लिए, फिर सर को बुलाए, वो मेरे सिर पे जोर से हमला कर दिया और फिर उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद मुझे बहुत मारे, बहुत टॉर्चर किए और इतना खून बह रहा था मेरा कि मैं होश में ही नहीं थी अच्छे से। होश में महिला आई, जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली, तब जाकर सबको पता चला सर्वे के नाम पर लुटेरे घूम रहे हैं। पुलिस की टीम अपनी तहकीकात करेगी, लेकिन जरूरी ये है कि ऐसे बहरूपियों से आप सावधान रहिए। बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कानून के लंबे हाथ गुनाह के मगरमच्छ को नहीं पकड़ पा रहे हैं और असली मगरमच्छ है वो मछली के जाल में फंस जा रहे हैं। उस गांव की तस्वीर दिखाएंगे जहां मगरमच्छ की दहशत थी, गांव वाले खौफजदा थे, मगरमच्छ किसी को नजर ना आए। वन विभाग की टीम ने सारी कोशिश कर ली, मगरमच्छ नहीं आया और फिर मछली के जाल में फंस गया। मछली का जाल, फंस गया मगरमच्छ। कहते हैं एमपी अजब है सबसे गजब है, तो जनाब ये मछुआरे जिसकी पूंछ पकड़े खड़े हैं वो कौन है ये तो आपको नजर आ गया, लेकिन इस जाल की कहानी भी हैरान कर देगी। ना तो मछुआरों को कुछ समझ आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। आपने इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखी होगी कि जाल बिछाया गया हो मछली के लिए लेकिन फंस गया हो मगरमच्छ। रायसेन के सिलवानी इलाके के तेंदोनी नदी पर जाल बिछाकर ये लड़के मछलियां पकड़ने गए थे। जैसे ही मछली के लिए दाना डाला, जाल फेंका, उन्हें लगा आज तो कोई मोटी मछली हाथ लगी है। इतनी बड़ी मछली, लगता है पूरा कुनबा ही हाथ आ गया है। लेकिन जैसे ही मछली की पूंछ पकड़ी तो मछुआरों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इसे छोड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ही खा जाए, क्योंकि हाथ मछली नहीं जनाब मगरमच्छ लगा था। गले में फंसी हड्डी की तरह था ये शिकार, जिसे ना निगलते बना और ना ही उगलते। तो ऐसे ही ये लड़के मगरमच्छ को पकड़े रहे, पूंछ पकड़कर वन विभाग की टीम का इंतजार करते रहे। वन विभाग की टीम को खबर लगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस मगरमच्छ को कई बार देखा गया था लेकिन मगरमच्छ किसी के हाथ नहीं आ रहा था। गांव में दहशत बरकरार थी, वन विभाग भी इस शिकारी की तलाश कर रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मछली के जाल में मगरमच्छ फंस जाएगा। लोगों की भीड़ लगी रही इस हैरत भरी तस्वीर को देखने के लिए। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, तब जाकर सबकी जान में जान आई। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अगली बार मछली पकड़ने का जाल बहुत सावधानी से फेंकना है। ना सिर्फ मछली पकड़ने का जाल बल्कि लहसुन लेने जा रहे हैं तो और ज्यादा सावधान। नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाके में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज लहसुन को नष्ट किया है। लहसुन के ढेर को बुलडोजर से कुचला जा रहा है क्योंकि ये चाइनीज लहसुन है और अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गया तो ये बीमार भी कर सकता है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए करीब 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त किया और बाद में बुलडोजर से कुचलकर जमीन खोदकर नष्ट कर दिया। कस्टम विभाग के एक्शन से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल नगर पंचायत के दामोदरी पोखरी इलाके में ये कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर
तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब लहसुन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तस्कर दोबारा गड्ढा खोदकर नहीं चुरा पाएंगे। पिछले एक डेढ़ महीने में काफी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्युनिसिपल ग्राउंड पे। पिछले दिनों भी कस्टम विभाग ने महाराजगंज में नेपाल से तस्करी लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन को बरामद किया था। इसके अलावा 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3,800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को भी जब्त किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। नौतवा इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।